अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, होप यू विल बी फाइन बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वाले वीडियो लेक्चर की शुरुआत हम करने वाले हैं विद अ वेरी फोर्थ क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 12.3। जैसा आपको पता ही होगा कि एक्सरसाइज 12.3 जो है ना बेटा, ये किस टॉपिक के रिगार्डिंग में है, जो कि लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको नहीं बताया था। मैंने डायरेक्ट से एक्सरसाइज को स्टार्ट किया था बेटा। ये हमारी एक्सरसाइज है रिलेटेड अबाउट द टॉपिक दैट इज एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर्स। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि अगर आपके पास में डिफरेंट प्लेन फिगर्स है, ज्योमेट्रिकल फिगर्स है, अगर उनको एक दूसरे के साथ कंबाइन किया जाएगा, वो जो रिजल्टेंट फिगर हमारे पास में आएगी बेटा, उसका एरिया कैसे हम निकालेंगे, या उसके कुछ पार्ट का एरिया जो कि शेडेड होगा उसका एरिया कैसे हम निकालेंगे। जैसे आपने पढ़ा होगा बेटा एरिया ऑफ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर में बेटा, वहां पे आपने दो टॉपिक्स पढ़े हैं, बिल्कुल वो कोइंसाइड हो रहे हैं इस टॉपिक के साथ जो हमारे पास में ये एक्सरसाइज है। लेकिन वहां यहाँ पे हम प्लेन फिगर्स के साथ डील करते हैं, वहां पे हमें सॉलिड्स के साथ डील करना है। वो दो कंसेप्ट क्या है, सरफेस एरिया कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स, वहां पे हमारे पास में एक टॉपिक ये है जिसके ऊपर हमारे पास में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स की एक एक्सरसाइज बन रही है। वहां पे हमें क्या करना है बेटा, डिफरेंट सॉलिड्स को एक दूसरे के साथ ज्वाइन किया गया है, कनेक्ट किया गया है, और वहां से एक रिजल्टेंट सॉलिड हमारे पास में तैयार किया गया है। उस रिजल्टेंट सॉलिड का जो कि हेमिस्फीयर और स्फीयर की शक्ल का हो सकता है, या कोई और सॉलिड आपस में सिलेंडर और हेमिस्फीयर, सिलेंडर और कोन हो सकता है, उनका सर्फेस एरिया निकालना है। ठीक, तो इसी तरीके से वहां पे एक और एक्सरसाइज है बेस्ड अपॉन द वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। उस एक्सरसाइज का, उस टॉपिक का नाम क्या है, वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स, यानी कि डिफरेंट सॉलिड्स को जोड़ दिया गया आपस में, सिलेंडर को कोन के साथ, सिलेंडर को हेमिस्फीयर के साथ, सिलेंडर को स्फीयर के साथ, और फिर उसके बाद में जो आपके पास में रिजल्टेंट सॉलिड तैयार होकर मिलता है आपको, तो उसका हमें निकालना है वॉल्यूम। दैट विल बी एक्चुअली द सम ऑफ द इंडिविजुअल वॉल्यूम ऑफ ऑल दीज सॉलिड्स, जिनका ये पूरा सॉलिड बना हुआ होगा। ठीक, तो यहाँ पे भी बेटा इस एक्सरसाइज में हमारे पास में डिफरेंट प्लेन फिगर्स, नॉट 3D फिगर्स, प्लेन फिगर्स आपस में कनेक्टेड एक दूसरे के साथ में होगी, जुड़े हुए होगी। ठीक, उसमें हो सकता है हमारा ट्रायंगल, हमारा क्वाड्रिलेटरल, हमारा सर्कल, हमारा सेक्टर, हमारा सेगमेंट, या कंबाइन इन सभी ज्योमेट्रिकल फिगर्स को एक दूसरे के साथ में, जो प्लेन फिगर्स आपके पास में आएगी उनके पूरी उन फिगर्स की पूरा एरिया निकालना है, या तो जो शेडेड पोर्शन होगा उसका एरिया निकालना होगा। चलिए, ऐसा ही हमारे पास में एक और क्वेश्चन यहाँ पे बन रहा है, विच इज क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 12.3। इसको हम यहाँ पे पहले पढ़ते हैं और उसके बाद हम इसको बेटा यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन ऑफ फिगर 12.22 जो कि हमने यहाँ पे ड्रा की है, वेयर ए सर्क्यूलर आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर हैज बीन ड्रॉन विद वर्टेक्स ओ ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल OAB ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर एज सेंटर। बेटा यहाँ पे हमारे पास में जो फिगर का शेडेड रीजन है इसका एरिया हमें निकालना है। ठीक, और इस फिगर में हमारे पास में एक सर्क्यूलर आर्क दी गई है, सर्क्यूलर आर्क ये दी गई है जिसका सेंटर हमने ओ लिया है, विच इज एक्चुअली द वर्टिकस ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल OAB, जिस इक्विलेटरल ट्रायंगल का बेटा हर एक साइड 12 सेंटीमीटर है। ठीक, हमें शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। अब ये सर्कुलर आर्क हमने ले ली है बेटा, जिसका सेंटर हमने वन ऑफ द वर्टेक्स, दैट इज द वर्टेक्स ओ ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हैविंग साइड 12 सेंटीमीटर लिया है बेटा। इस सर्कुलर आर्क का खुद का अपना रेडियस है 6 सेंटीमीटर। फिर से मैं यहाँ पे आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन के बारे में जितना भी हमें गिवन दिया गया है उसका जिक्र करूंगा यहाँ पे। बेटा हमारे पास में सर्क्यूलर आर्क डाली गई है, सर्क्यूलर आर्क का मतलब सर्कल के एक आर्क, ये मेजर आर्क यहाँ पे दी गई है। अब क्योंकि सर्कल का अपना खुद का सेंटर होता है तो हर एक आर्क का अपना सेंटर होता है। यहाँ पे इस सर्क्यूलर आर्क का जो सेंटर है बेटा वो ओ है, विच इज एक्चुअली द वर्टेक्स ओ ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल OAB, जिस इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एक साइड हमें दिया गया 12 सेंटीमीटर। अब हर एक सर्कुलर आर्क का रेडियस भी होता है, क्योंकि सर्कल का खुद का सेंटर और रेडियस होता है, तो सर्कल के साथ अगर सर्कुलर आर्क जोड़ेंगे हम उसका भी सेंटर होगा, उसका भी रेडियस होगा। मतलब यहाँ पे हमारे पास में जो सर्क्यूलर आर्क है इसका सेंटर बेटा ओ ही है, इसका रेडियस 6 सेंटीमीटर है, साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल 12 सेंटीमीटर है। हमें क्या करना है बेटा, हमें यहाँ पे इस शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। जाहिर सी बात है बेटा यहाँ पे इस शेडेड रीजन का जो एरिया आएगा दैट विल बी द सम ऑफ द एरियाज ऑफ दिस वेरी इक्विलेटरल ट्रायंगल OAB प्लस जो हमारे पास में ये रीजन आ रहा है विच इज इन बिटवीन दिस वेरी सर्क्यूलर आर्क। आप मुझे बताइए बेटा यहां से लेके यहां तक ये क्या है, दे आर एक्चुअली द रेडियस ऑफ द आर्क या रेडियस ऑफ द सर्कल,
और ओ से लेके इस पॉइंट तक, ये भी क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल। अब ये आर्क है, द सर्क्यूलर रीजन विच कम्स इन बिटवीन द आर्क ऑफ द सर्कल एंड इट इज टू कॉरस्पॉन्डिंग रेडियस, उसको क्या बोला जाता है, सेक्टर। इसका मतलब जो ये टॉप वाला रीजन आपको दिख रहा है, इट इज द सेक्टर। अच्छा, सेक्टर का जो एरिया होता है, इन टर्म्स ऑफ कैसे मिलता है, इन टर्म्स ऑफ सेंटर लाइन का एंड इन टर्म्स ऑफ रेडियस मिलता है। बेटा उसके लिए फॉर्मूला आपको पता है ना, थीटा डिवाइड बाय 360 डिग्री मल्टीपल बाय पाई आर स्क्वायर, सही बात। अब यहाँ पे हमारे पास में इस सेक्टर का हमें रेडियस पता है ना, वो तो 6 सेंटीमीटर है, यानी कि रेडियस ऑफ दिस सेक्टर इज सेम एज दैट ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्क्यूलर आर्क विच इज 6 सेंटीमीटर। अब मसला यहाँ पे ये है कि क्या इसका सेंट्रल एंगल, इस सेक्टर का सेंट्रल एंगल हमें पता है। मान लीजिए इसका सेंट्रल एंगल थीटा है, जो हम थीटा से डिनोट करेंगे। अब मुझे बताइए, ये ओ ए बी इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल आप में से सभी जानते हैं, वो इक्विएंगुलर होता है और उसका हर एक एंगल बेटा 60 डिग्री के बराबर होता है, जो कि हमने प्रूव किया है सिमिलर ट्रायंगल्स में। इसका मतलब एंगल ए ओ बी बेटा 60 डिग्री होगा, सही बात। ये वाला एंगल बेटा 60 डिग्री होगा और ये जो सेक्टर का एंगल बन रहा है, सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर बन रहा है, उसको हमने डिनोट किया बेटा थीटा से। अब जरा बताइए, ये पूरा का पूरा यहाँ पे सर्कल बनेगा ना, सर्कल का सेंटर यहाँ पे है बेटा, यहाँ पे ये पूरा का पूरा सर्कल बन रहा है। सर्कल के सेंटर पर आप मुझे बता सकते हो कौन सा एंगल बनता है? सर्कल के सेंटर पर हमेशा हमारे पास में एंगल बन रहा है 360 डिग्री, ठीक। उसमें से हमारे पास में ये 360 डिग्री जो सेंटर ओ पर एंगल बनेगा बेटा, इस आर्क के सेंटर पर बेटा जो एंगल बनेगा ओ पर, वो बेटा कुल मिला के 360 डिग्री होगा। और उसमें से बेटा ये सेक्टर वाला एंगल भी बेटा कंट्रीब्यूट करता है, और जो हमारे पास में वर्टेक्स ओ पर इक्विलेटरल ट्रायंगल का एंगल बन रहा है विच इज 60 डिग्री, वो भी बन रहा है, वो भी कंट्रीब्यूट कर रहा है। इसका मतलब ये जो एंगल होगा थीटा प्लस एंगल एओबी, दिस इज इक्वल टू 60 डिग्री, बट एंगल एओबी इज इक्वल टू बेटा 60 डिग्री, विच इंप्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री, और 60 डिग्री बेटा हम ट्रांसपोज करेंगे राइट साइड में, जो कि वहां पे सबट्रैक्ट हो जाएगा 360 डिग्री को, वहां से हमारे पास में फॉलो होगा थीटा का वैल्यू 300 डिग्री। इसका मतलब हमारे पास में बेटा जी क्या है, इस सेक्टर का सेंट्रल एंगल जो कि 300 डिग्री अभी हमने आपको बताया कैसे निकालना है, वो भी हमें पता है और इसका रेडियस भी पता है। क्या हम इसका एरिया निकाल सकते हैं? यस ऑफ कोर्स। और एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हमने बेटा आरएल से इसके फार्मूला आपको बताई है, दैट इज √3/4 मल्टीप्लाई साइड स्क्वायर। अब यहां पे हमारे पास में जो इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो साइड है वो बेटा 12 सेंटीमीटर है। अगर इसका साइड 12 सेंटीमीटर है तो इसका एरिया आएगा √3/4 मल्टीप्लाई साइड स्क्वायर व्हिच इज 12 स्क्वायर। तो एरिया ऑफ दिस शेडेड रीजन विल बी इक्वल टू द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ दिस सेक्टर जो कि टॉप में आपको दिख रहा है, ठीक। तो चलिए बेटा इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं, यानी कि इसका सॉल्यूशन। ओके, तो यहां पे आप लिखोगे बेटा, आप यहां पे लिखेंगे हियर साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल है, ओ ए बी बेटा साइड में डिनोट करूंगा इसका ए से, जो कि बेटा 12 सेंटीमीटर है, ठीक। उसके बाद में हम क्या लिखेंगे, वी नो दैट इक्विलेटरल ट्रायंगल इज आल्सो इक्विएंगुलर, सो बेटा इसके सभी एंगल्स इक्वल हो गए और हर एक एंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल का होता है 60 डिग्री। सो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू बेटा एंगल ए ओ बी बेटा 60 डिग्री होगा, ठीक। नीचे हम लिखेंगे क्लियरली थीटा प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू बेटा 360 डिग्री, ओके, विच इंप्लाइज दैट थीटा ही रहेगा। एंगल ए ओ बी का मेजर कितना है 60 डिग्री, विच इज इक्वल टू बेटा 360 डिग्री, विच इंप्लाइज दैट जो हमारे पास में थीटा का वैल्यू फॉलो होगा वो 360 डिग्री में से घटाएंगे हम 60 डिग्री, बिकॉज ये पॉजिटिव नंबर है, यहाँ पर ट्रांसपोज करेंगे तो नेगेटिव आएगा, थीटा का वैल्यू हमारे पास में होगा 300 डिग्री, सही बात। अभी तक के लिए हमने इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के साइड का जिक्र किया है, जो कि बेटा 12 सेंटीमीटर इसका साइड, जो हमारे पास में सेक्टर बन रहा है उसका
सेंट्रल एंगल हमें निकालना है, निकाला है अभी तक के लिए, ठीक। अब हम इसके सेंट्रल एंगल का मतलब सेक्टर के सेंट्रल एंगल का और बेटा इसके रेडियस का जिक्र करेंगे, जो कि इसका रेडियस है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। नीचे लिखेंगे हम सो बेटा सेंट्रल एंगल एंड रेडियस ऑफ गिवन सेक्टर। सेक्टर का नाम जरूरी नहीं करना है, वो आपको पता है सेक्टर ये वाला है, इसका भी नाम भी कर सकते हैं, यहां पे एक पॉइंट का नाम रखूंगा यहां पे, लेकिन मसला नहीं है। गिवन सेक्टर मतलब जो ऊपर दिया गया है, ठीक। थीटा का वैल्यू है बेटा 300 डिग्री, जो कि सेंट्रल एंगल इसका बन रहा है, और जो रेडियस बन रहा है दैट इज 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो नीचे लिखेंगे बेटा डियर स्टूडेंट्स एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू, वो आएगा बेटा एरिया ऑफ सेक्टर प्लस आएगा बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। अब यहां पे जरूरी नहीं मेंशन करना कि ये ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल है, कितनी बार मैंने बताया इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो यहां पे लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो टाइम कंजप्शन हम बेटा रिड्यूस करने वाले हैं यहां पे, इसलिए ऐसा कुछ लिखा एरिया ऑफ सेक्टर हमारे पास में मिलेगा हमें थीटा डिवाइड बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर से, ठीक बेटा। प्लस क्या आएगा एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, जो कि हमारे पास में √3/4 मल्टीप्लाई बाय साइड स्क्वायर व्हिच इज ए स्क्वायर, बिकॉज इस इक्विलेटरल का ट्रायंगल का जो साइड है हमने उसको डिनोट किया है ए से, तो हमारे पास में ये फॉर्मूला मेंड होके आएगी √3/4 मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर, ठीक। अब हम अपनी जो यहाँ पे सिंबल्स है उनका कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज यहाँ पे प्लग करेंगे। थीटा का मतलब 360 डिग्री अपना कुछ है, ठीक। मल्टीपल बाय 22/7 बिकॉज यहाँ पे जिक्र नहीं किया गया है कि पाई का आप डेसिमल वैल्यू प्लग कीजिए। मल्टीप्लाई रेडियस क्या, जो कि हमारे पास में 12 × 12 है, किसका रेडियस यहाँ पे आएगा रेडियस ऑफ सेक्टर जो हमारे पास में 6 है, तो यहाँ पे आएगा 6 × 6 और प्लस बीच में है √3/4 और मल्टीप्लाई आएगा साइड स्क्वायर व्हिच इज 12 × 12, सही बात। अब यहाँ पे हम रिडक्शन करेंगे बेटा, ये 0 डिग्री 0 डिग्री 0 के साथ 0 के समय क्या हो जाएगा न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 5 6 5 6 5 30 होगा, 6 6 36 होगा, यहाँ पे 6 बचा, सही बात। 6 1 6 ठीक है, और 6 1 ये वाला 6 कैंसल आउट होगा, ठीक। उसके बाद में हमारे पास में यहाँ पे बचेगा क्या, तो यहाँ पे ये भी रिड्यूस होगा 4 1 4 4 3 12, तो हमारे पास में जो बचा तो उसको हम लिखने वाले हैं डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे, ठीक। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं बिकॉज वहां पे आपको ये दिखेगा नहीं शायद, ठीक। तो यहाँ पे लिखते हैं इसको, तो यहाँ पे हमारे पास में आएगा बेटा यहाँ पे 5 है मल्टीपल वे है 22/7, ठीक, और उसके बाद में हमारे पास में 6, ठीक, प्लस बीच में है, फिर यहाँ पे हमारे पास में √3/3 और 12, ठीक है, √3 और बेटा 3 है और मल्टीप्लाई 12, ठीक। तो यहाँ पे हमारे पास में है √3/3, ठीक, और मल्टीपल बाय डियर स्टूडेंट्स 12, ठीक। तो यहां तक याद रखना, यहां तक ये स्टेप है। इसके बाद वाला जो स्टेप होगा वो ये होगा, यहाँ पे 5 बचे, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 है तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है 22/7, फिर उसके बाद में ये 6 तो रिड्यूस होके 1 बन गया, ये 6 यहाँ पे हमने लिखा, फिर प्लस बीच में, फिर √3/3 और 12 आपस में मल्टीप्लाई, यू जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट। तो मैं आगे इस क्वेश्चन को यहां से कंटिन्यू करने वाला हूं, सही बात। तो चलिए बेटा, जो हमारे पास में आगे इसकी सिंप्लीफिकेशन होगी, देखिए बेटा 6 22 और 5 को हमने मल्टीपल करना पड़ेगा, तो 6 और 5 आपस में इनका जोड़ अच्छे से लगता है, 6 5 30 आएगा, यह आएगा बेटा विच इज इक्वल टू, यहाँ पे 30 हम लिखेंगे मल्टीपल लिखेंगे बेटा 22, मल्टीपल लिखेंगे 22, हमने बेटा इस फैक्टर 5 और 6 को आपस में मल्टीपल किया तो 30 आया, 22 जो फैक्टर हमारे पास में उसको ऐसे रखा, ये 22/7 ऐसे हम रखेंगे, फिर उसके बाद में 3 और 12 का हम मल्टीप्लिकेशन ले लेंगे, फिर यहाँ पे प्लस लिखेंगे, यहाँ पे बेटा √3/5 बेटा यहाँ पे क्या आएगा 3 2 6 आएगा 3 1 3 मल्टीप्लाई 36 √3/36 आएगा ये, ठीक, विच इज इक्वल टू, तो यहाँ पे 3 2 6 आएगा, 3 2 6 आएगा 660/7 प्लस आएगा बेटा 30√3,
ठीक है, इसको हम ब्रैकेट में रखने वाले हैं, तो यहाँ पे आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। और आप बेटा पीछे बुक्स अपनी चेक करोगे, ठीक, इसका जो एरिया है यही बताया गया है। तो यहां से आगे आपको सिंपलीफिकेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पे जिक्र नहीं किया गया कि रूट थ्री का वैल्यू 1.7 या 1.73 समथिंग लाइक दिस हमें बताया गया है। ठीक है, तो यहां पे आप लिखेंगे विच इंप्लाइज दैट एरिया ऑफ शेडेड रीजन, रीजन उसके बाद में इक्वल टू लिखना, ये हमारे पास में एरिया फॉल होगा। इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन कंप्लीट किया, तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। ठीक, उसके लिए बेटा मैं ये रख करूंगा यहां पर पूरा, तो ध्यान रखिएगा बेटा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट विच इज क्वेश्चन नंबर 5 वो हम यहां पर कंसिडर करेंगे। अब तो हमारे पास में क्या दिया गया है क्वेश्चन में, फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर अ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर इज कट एंड ऑल्सो सर्कल ऑफ डायमीटर 2 सेंटीमीटर इज कट एज शोन इन द फिगर 12.23 जो मैं यहां पे बनाऊंगा। फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द स्क्वायर। हमारे पास में कुल मिला के क्वेश्चन नंबर 4 में एक स्क्वायर दिया गया है। क्या दिया गया है बेटा, एक स्क्वायर दिया गया है। मान लीजिए ये गिवन स्क्वायर है जो कि हमें यहां पे दिया गया है। ठीक, अब इस स्क्वायर के हर एक कॉर्नर, पहले तो स्क्वायर दिया गया है, स्क्वायर का हर एक साइड 4 सेंटीमीटर, यहां से भी 4 सेंटीमीटर होगा, यहां से भी 4 सेंटीमीटर ही है, यहां से भी बेटा 4 सेंटीमीटर ही है। इस स्क्वायर के हर एक कॉर्नर में से हमने क्या किया बेटा, स्क्वायर का नाम यहां पर है बेटा ए, दिस इज डियर स्टूडेंट्स बी, दिस इज सी, दिस इज डी। इस स्क्वायर के हर एक कॉर्नर में से हमने बेटा क्या किया है, एक सेक्टर कट डाउन किया है। सेक्टर जो कट डाउन किया गया है बेटा, उसका जो रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर है। क्या है, 3 सेंटीमीटर है। ये एक सेक्टर वर्टेक्स डी में से 1 सेंटीमीटर वाला क्वाड्रेंट हमने कट डाउन किया गया है, तो यहां से भी बेटा एक क्वाड्रेंट कट किया गया है फ्रॉम द वर्टेक्स बी। इसका जो रेडियस है 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। ठीक, और बीच में एक सर्कल ड्रा किया गया है जिसकी डायमीटर का मेंशन यहां पे किया गया है कि वो इसकी डायमीटर का जो वैल्यू है बेटा वो 2 सेंटीमीटर है। मान लीजिए इसकी डायमीटर 2 सेंटीमीटर है, तो रेडियस आएगा हाफ ऑफ डायमीटर, हाफ ऑफ 2 कितना आएगा 1, तो मतलब इसका भी जो रेडियस आएगा बेटा 1 सेंटीमीटर होगा। हमें बताना है जो रिमेनिंग पोर्शन आएगा इस सर्कल के बगैर और जो ये 4 क्वाड्रेंट्स इस स्क्वायर के वर्टिसेस पर काटे गए हैं, इसके जो बगैर जो एरिया आएगा, रिमेनिंग एरिया जिसको मैं यहां पे शेड कर रहा हूं बेटा, इसका एरिया हमें पूछा गया है। निकाल देखो, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द सरफेस दैट रिमेन्स फ्रॉम द स्क्वायर अदर देन द 4 सेक्टर्स दैट हैव बीन कट फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ दिस वेरी स्क्वायर एंड अदर देन द सर्क्यूलर रीजन of that very circle which is drawn at the center of this very square which is having the diameter of 2 cm and radius of course beta uska hoga 1 cm aisa kuch karna hai to zahir si baat hai jo hamare paas mein ek quadrant hai kitni hai 4 hai na beta acha quadrant bhi ek sector hota hai which is the particular quadrant jiska beta quadrant is the particular sector jiska central angle beta 90 degree hota hai ab ये जो 4 के 4 क्वाड्रेंट्स हैं, ये सेक्टर्स हैं, दे आर आइडेंटिकल बिकॉज इनका सेंट्रल एंगल तो बहरहाल नाम से पता चलता है 90 डिग्री है, और इनका जो रेडियस है ना बेटा, हर एक का रेडियस है बेटा 1 सेंटीमीटर। इसका मतलब इन 4 क्वाड्रेंट्स का जो एरिया आएगा वो 4 टाइम्स एरिया ऑफ 1 क्वाड्रेंट होगा। और एरिया ऑफ 1 क्वाड्रेंट कैसे हमें मिलेगा, थीटा डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, आर का वैल्यू 1, थीटा का वैल्यू 90 डिग्री, सही बात। उसके बाद में जो बीच वाला सर्कल है उसका डायमीटर 2 सेंटीमीटर दिया गया है, तो रेडियस आएगा टी अपॉन 2 जो कि बेटा 2 डिवाइड बाय 2 विच इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर आएगा। मतलब बीच वाला जो सर्कल है उसका भी रेडियस बेटा 1 सेंटीमीटर ही है। अब जाहिर सी बात है जो शेडेड रीजन का एरिया आएगा दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ द स्क्वायर, जो हम निकाल सकते हैं साइड स्क्वायर फॉर्मूला से, बिकॉज हमारे पास में स्क्वायर का साइड हमें पता है दैट इज 4 सेंटीमीटर। और उसके बाद में हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर में से सब्ट्रैक्ट हम करेंगे एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ द सर्कल विच इज ड्रॉन एट इट्स सेंटर। तो वो जो
हमारे पास में वैल्यू आएगा वो हमारे पास में इसका एरिया निकलेगा। सही बात। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन यहां पे हम लिखेंगे हियर साइड ऑफ द स्क्वायर, यानी कि इस क्वेश्चन में जो साइड ऑफ स्क्वायर का नाम भी दिया गया एबीसीडी, तो हम भी करेंगे ए इज इक्वल टू बेटा 4 सेंटीमीटर। हियर साइड ऑफ द स्क्वायर एबीसीडी इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। सही बात। ऑल्सो सेंट्रल एंगल एंड रेडियस ऑफ ईच ऑफ द फोर क्वाड्रेंट्स, ईच ऑफ द फोर क्वाड्रेंट्स यानी कि जो सेंट्रल एंगल और बेटा रेडियस यहां पे फॉलो होगा हर एक क्वाड्रेंट का, वो क्या बेटा सेंट्रल एंगल तो बहरहाल 90 डिग्री होगा और उसके बाद में जो रेडियस आएगा वो बेटा 1 सेंटीमीटर है, आज से डिनोट किया। फर्दर डायमीटर ऑफ सेंट्रल सर्कल डायमीटर सेंट्रल सर्कल का हम डी से डिनोट करेंगे तो उसका डायमीटर है 2 सेंटीमीटर, तो विच इंप्लाइज दैट रेडियस आएगा डी अपॉन 2, वो आएगा बेटा 2/2, वो आएगा बेटा 1 सेंटीमीटर, विच इंप्लाइज दैट जो रेडियस आएगा दैट इज 1 सेंटीमीटर। बेटा यहां पे हमने फिर से रेडियस ऑफ सेंटर सर्कल उसके लिए भी वही डिनोशन रखी जो कि हमारे पास में रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट है, बिकॉज दोनों का वैल्यू 1 सेंटीमीटर है, आई कैन हैव लाइक दिस। वरना बेटा अगर ये रेडियस कुछ और निकलता 1 सेंटीमीटर के बगैर कोई और नंबर, तो मैं यहां पे डी डैश इस्तेमाल करता, यहां पे आर डैश निकलते। चलिए बेटा डी डैश ही लिखिए, यहां पे डी डैश यहां पे आर डैश आएगा। सही बात। तो डी डैश आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए, क्योंकि कोई और क्वेश्चन अगर होगा, अगर वहां पे सेंटर में जो सर्कल बनाया जाएगा अगर उसका डायमीटर 2 सेंटीमीटर नहीं होगा, मतलब 3 सेंटीमीटर होगा सपोज, फिर रेडियस कितना आने वाला है, वो तो 1.5 सेंटीमीटर आएगा, 3/2 सेंटीमीटर। इसलिए बेटा वहां पे आप ये आर सिंबल यहां पे नहीं इस्तेमाल कर सकते, इसलिए हम ये से मतलब अच्छे से चलेंगे। तो यहां पे हमने जो हमने डायमीटर हमारे पास में सेंटर सर्कल का है वो 2 सेंटीमीटर है, तो रेडियस आर डैश से डिनोट करेंगे जो कि हमारे पास में फॉलो होके बेटा 1 सेंटीमीटर निकला। तो देयरफॉर एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर लिखने की कोई जरूरत नहीं है, हम लिखेंगे ए बी सी डी, वो तो पता है ऊपर मेंशन भी किया है बेटा ये स्क्वायर ही है, और माइनस करेंगे बेटा 4 times एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस करेंगे बेटा, यहां पे माइनस करना है, माइनस करेंगे एरिया ऑफ सेंट्रल सर्कल। ध्यान रखिएगा बेटा शेडेड रीजन का एरिया होगा बेटा एरिया ऑफ स्क्वायर एबीसीडी माइनस एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स, जो क्या आएगा बेटा 4 times एरिया ऑफ 1 क्वाड्रेंट, यानी कि माइनस 4 times एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ ईच क्वाड्रेंट, माइनस आएगा बेटा एरिया ऑफ सेंट्रल सर्कल। तो चलिए बेटा प्लग करते हैं यहां पे वैल्यूज, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या आएगा बेटा साइड स्क्वायर जो कि ए स्क्वायर आएगा, माइनस आएगा 4 times एरिया ऑफ क्वाड्रेंट दैट इज 3/360 degree मल्टीपल बाय क्या आएगा बेटा, मल्टीपल बाय आएगा पाई आर स्क्वायर। ठीक, 4 × 360 degree मल्टीपल पाई आर स्क्वायर, तो ऐसे लिखेंगे हम 4 × एरिया क्वाड्रेंट का एरिया 3/360 मल्टीपल पाई आर स्क्वायर होगा, बिकॉज वो भी सेक्टर होगा, उसके लिए भी वही फॉर्मूला हमें इस्तेमाल करने हैं, मल्टीपल आएगा बेटा पाई आर डैश स्क्वायर, बिकॉज आर डैश इज द रेडियस ऑफ द सेंट्रल सर्कल एंड आर इज द रेडियस ऑफ द क्वाड्रेंट व्हिच इज एक्चुअली द सेक्टर, तो यहां पे ए का वैल्यू क्या आएगा 4 स्क्वायर आएगा। सही बात। माइनस क्या करेंगे, माइनस 4 times यहां पे 90 डिग्री आएगा, बिकॉज क्वाड्रेंट के लिए जो हमारे पास में सेंट्रल एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है, यहां पे 360 डिग्री, फिर से 22/7 रेडियस जो हमारे पास में इन क्वाड्रेंट्स का है बेटा वो 1
स्क्वायर आएगा, आर स्क्वायर है ना, फिर वन स्क्वायर आएगा, ठीक। इसको यहाँ पे ऐसे करते हैं तो यहाँ पे आएगा 22/7, तो मल्टीपल क्या आएगा, आर डैश स्क्वायर, विच इज अगेन वन स्क्वायर, सही बात। तो इतना समझ में आया, चले बेटा आगे जाते हैं। यहाँ पे तो 4 4 बेटा 16 आएगा, माइनस आएगा, ये 0 degree और 0 degree अलॉन्ग बेटा 0 कैंसिल होगा, 9 1 9 9, 4 36 आएगा, 4 1 4 और ये 4 1 4, मतलब ये आया न्यूमरेटर में 1 डिनोमिनेटर में 1, यहाँ पे आएगा 22/7 बेटा, यहाँ पे आएगा 16 - 22/7 माइनस आएगा बेटा, यहाँ पे भी 22/7 मल्टीप्लाई 1 स्क्वायर, वो तो 1 आएगा, वो फिर से आएगा 22/7, सही बात। तो इतना समझ में आया, मैंने 90 को रिड्यूस किया 360 के साथ, वाया 1/4, फिर 4 को इस न्यूमरेटर के 4 के साथ रिड्यूस किया, 4 1 4 4 1 4, यहाँ पे कुल मिला के यहाँ पे 1/1 आएगा जो कि 1 होगा, 22/7 आएगा यहाँ पे, फिर मल्टीपल बाई 1 आएगा बेटा 22/7 है, ठीक, 4 square 16 है, फिर 22/7 मल्टीपल बाई 1 square, which is again 22/7 है। तो हमारे पास में आगे हम क्या लिखेंगे बेटा, तो इसको मैं रब करता हूँ, यू जस्ट टेक द स्क्रीन शॉट ऑफ इट। चले बेटा, तो मेरे पास में जो एरिया ऑफ शेडर रीजन आएगा दैट इज इक्वल टू, तो यहाँ पे 16 आएगा, इन ये दो रैशनल नंबर से इनका डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर हम क्या निकालेंगे, कॉमन निकालेंगे, एलसीएम साथ निकलेगा, इन न्यूमरेटर्स को ऐड करेंगे, -22 और -22, वो कितना आएगा, दैट इज 16 - 44/7, सही बात। इतना समझ में आया, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीपल करेंगे, ठीक। तो चलिए बेटा मैं ये रब कर लेता हूं, वो कितना आएगा, 7 6 42 यहाँ पे रहेंगे, 4 चढ़ेंगे क्या, 7 1 7 7 + 4 दैट इज बेटा 11, वो 11 आएगा, ओके। और उसके बाद में हमारे पास में क्या आएगा, -44/7, क्रॉस मल्टीपल किया इसको इसके साथ, डिनोमिनेटर में जो 16 का 1 होगा उसको 44 के साथ, जो कि 44 ही फॉलो होगा, तो यहाँ पे हमारे पास में क्या आएगा, 12 में से 4 तो बेटा 8 आएंगे, 10 यहाँ पे 0 रहा, 10 में से 4 तो 6 आएंगे, 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इंप्लाइज दैट एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू बेटा 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से बेटा हमने क्वेश्चन नंबर 5 भी किया, उम्मीद करते हैं कि आपको यह समझ में आया होगा, और कहीं पे भी कोई भी कंफ्यूजन आपको होगा तो प्लीज यू कैन कॉन्टैक्ट मी, थैंक यू बेटा।